अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए गाउन जैकेट ले आई हूँ जो नेट के ऊपर है, जिस पर मैंने लेस लगाकर आपको डिज़ाइनिंग बताऊँगी। ये नेट है जो 43 इंच, जिसकी लेंथ है मेरी 43 इंच, क्योंकि इसकी इतना विर्थ थी कि ये मुकम्मल हो गई है। मेरी जो विर्थ इसकी है, ये देखें, ये इसकी इतना ज़्यादा थी कि इसको डबल किया है तो उसको मुकम्मल हो गई है। ये जितना मैंने बनाना था उतना वो उसके भी हो गया, कंप्लीट हो गया। आप अपने अंदाजे के मुताबिक कर सकते हैं। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। ये जी, ये 15 इंच मैंने रखना है इसका कंधा, 7.5 इंच जिसकी आप वेस्ट में कर रही हूँ, और ये देखिए 7 इंच है ये जो मैंने रखना है इसका, ये आर्म होल वाली जगह 7-8, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाउन बिल्कुल फिटिंग में हो तो वो अच्छा लगता है। अगर फिटिंग में ना हो, खुला खुला हो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ऊपर से 1 इंच की मैं कटिंग करूँगी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 1 इंच का ये तिरछा कपड़ा काटा है। जो साइड वाली कटिंग जितनी आप अपनी विड्थ के मुताबिक रखें, अगर आपने किसी बच्ची का बनाना हो तो स्मार्ट होती है, थोड़ी सी बड़ी हो उस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा इसमें कटिंग पूरी फुल कर दें, क्योंकि ज़्यादा इसमें कपड़ा ना आए फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है इसकी। जी व्यूअर्स, ये हम ऊपर वाली साइड निकाल देते हैं और जो ये बीच वाली साइड है इसको दरमियान से हम काट लेते हैं, दो हिस्से इसके बना लेते हैं हम दरमियान से। नाली हम इसकी अब वी बनाते हैं। वी आप अपने अंदाजे के मुताबिक रखें, क्योंकि इसका होता है बाज़ बहुत ज़्यादा खुला रख लेते हैं, क्योंकि बीच में गले की कढ़ाई हो तो फिर वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है सूट से। आप अपने अंदाजे के मुताबिक आपने कितनी बनाने बनानी है। मैंने ये 7 इंच रखी है इसकी। अब इसकी हम सिलाई करते हैं, ये साथ साथ अब फ्रंट पे हम लगाएंगे दोनों साइडों पे। जी व्यूअर, ये है मैंने जो ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है जिसकी। आजकल व्यूअर इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, ये हर प्लेन सूट के ऊपर ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये बना ले इसके ऊपर, इसके नीचे हम प्लेन सादा, अगर कोई शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी हो, तो गर्मियों में हो तो हम इसके नीचे लॉन कॉटन का बना लें, अगर सर्दियों में हो तो उसका नीचे रेशमी बना लें। ये जो हमने लेस ली है इसको हम ऊपर रख कर, ये देखें, ये मशीन के अंदर ये वाली लेस अंदर रखी है, ये रख कर हम इस पे अब लाइन लगाएंगे। ये ऊपर लेस के ऊपर और नीचे कपड़ा रख के लाइन लगाने का फ़ायदा हम आपको आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना खूबसूरत लगेगा। ये वाली चीज़ ऑटोमेटिक ये प्रेस हो जाएगी। अब साथ साथ एक एक लाइन लगाते जाएं और सिलाई करते जाएं। व्यूअर यहाँ पे चुनर, ये वी के दरमियान में हम यहाँ, ये देखें, ये जो वी बनानी है हमने, उसमें एक चुनर डालेंगे। ये चुनट सीधा करने में हमें वो आसानी होगी, वी बड़ी अच्छी बनेगी इसकी। व्यूवर्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर नहीं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे मेरी वीडियो में जो भी खामी हो आप वो बताएं, मैं उसको इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगी बेहतर से बेहतर करने की। जी व्यूवर, ये एक साइड ला के, ये देखें, ये आप नीचे की तरफ हमें ऐसे, ये देखें, ये अब ये हो गया ऊपर एक लाइन, जो फिर से हम इसी जगह पर एक और लाइन लगाएंगे, इससे ये बड़े आराम से प्रेस हो जाएगी। क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाली नगों वाली लेस है, इसलिए आप बाकी वाली साइड जो है वो इस मशीन की लाइन इसी जगह पे चलेगी। आप आगे या तो आपके पास ग्लू गन है तो ग्लू गन से उसके साथ, नेट के साथ अटैच करते जाए, नहीं तो सुई के साथ बड़े आराम से सुई और धागा के साथ ये हो जाएगी प्रेस। ये देखें, हमने जो चुनट बनाई थी वो चुनट अपने हाथ से प्रेस करके रखें और साथ में उसको सेट कर दें। ये वाली चुनट वी में बहुत अच्छी लगेगी, ये वाली चुनट कपड़े को प्रेस करके कपड़ा सीधा होगा। अब साथ साथ लाइन लगाते जाएं, अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त करते जाएं। ये पिन जो वी बनाई थी जिस जगह पे, उस जगह पे हम पिन लगा देंगे, क्योंकि वो आगे पीछे हिले ना, एक जगह पे प्रेस होकर खड़ा रहे।
अब ये सुई से हम इसके सारे लगा लेंगे। जी बस वो हमने अंदर वाली साइड पे रख के ये वाली लेस हमने बनाई थी ना, अब हम कपड़ा जो है नीचे वाला गाउन का वो अंदर वाली साइड पे रखेंगे और लेस बाहर वाली साइड पे रखेंगे। इससे ये होगा कि हमारी वो दोनों एक इधर है और एक इधर हो जाएगी, क्योंकि कपड़े में तो कोई उल्टा सीधी इसकी साइड है नहीं, इसलिए हमें खुद ही अंदाज़ा करना है किस साइड पे सीधा होगा, किस साइड पे हम रखें इसको। व्यूअर्स यहाँ भी वैसे ही चुना लगा, अब वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये ऊपर सिलाई करते हैं हम इसकी। जी भी बस ये अब कंप्लीट हो गया है, ये देखें वो चुनट वाली जगह आप ये देखें, वो ये सारी कंप्लीट हो गई है। ये ओपन है बीच में से, इसको ओपन ही रहेगी ये, हम इसमें ये देखें भी बस। अब बैक साइड इसकी हम सिलाई करते हैं। ये देखें इसके साथ हमने थोड़ी थोड़ी ये लेस नीचे रखी थी, उसके साथ ही हम यहाँ लाइन लगाएंगे और लाइन लाइन वे बस। ये कंधे वाली जगह पे आप दो दफ़ा लेस भी किया करें, क्योंकि वो स्टिचिंग का पता लगता है आगे आगे इस्तेमाल के बाद कि स्टिचिंग कैसे होती है। ये दो दफ़ा लाइन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये खुलेगा नहीं, बहुत ही एंड तक अच्छा ही रहेगा। ये वे बस ये फोल्ड करके ऊपर वाली जगह नीचे करके, क्योंकि ऊपर से नेट है, नेट के नीचे जो होते हैं ये छोटे छोटे, ये बहुत बुरे लगते हैं धागे, जैसे सारे फोल्ड करके सारी चीज़ें इसमें। अब साथ ही बैक साइड भी साथ में ही फोल्ड करते जाए, वो सिलाई हो जाए, सिलाई करते जाए साथ साथ। व्यूअर्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाने ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। ये देखें ये कुमकुम वाली मैंने डोरी ली है, क्योंकि जो लेस है उसके ऊपर भी ये बीड्स लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, ये साथ में ये डोरी भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब इस डोरी को हम गिरा लगा लेते हैं, ये गिरा से ये बाहर नहीं निकलेगा, गिरा लगाने ये धागे भी नहीं खुलेंगे, और ये डोरी हम जो लगाई है इसको हम सुई के साथ सिलाई करेंगे और ये वाली जो है ये खुलेगी भी नहीं। ये आपकी मर्जी है, आप ये मशीन से भी लगा सकती हैं यहाँ दो तीन लाइनें लगा के, मगर ये सुई से ज़्यादा ही अच्छा होगा अगर सुई से लगाएं तो। सुई से लगाने से वो सारा एक दूसरे के साथ अटैच होके बड़ा आराम इजीली वो सीधा हो जाता है। ये देखें ये सुई के साथ मैं बना रही हूँ, मशीन पे वैसे मैंने छोटा सा टांका लगाया था। ये डोरी हम बंद भी कर सकते हैं, बिल्कुल खुली भी रखते हैं, खुली रखने से पहनना उतारना आसान होता है। ये देखें यहाँ अब बहुत ही अच्छी सी और खूबसूरत सी हम गिरा लगाते हैं। ये जो भी कलर आप हो, जिस कलर में ये इसके ऊपर नीचे हम पिंक कलर बना सकते हैं, जिंक बना सकते हैं, गोल्डन बना सकते हैं सूट जो भी हो। ये गोल्डन लेस है जो कंधे के जो आर्म होल वाली ये सारी जगह है इस पे हम करेंगे लेस लगाएंगे, लगा कर उसके बनाएंगे, क्योंकि इसके बाजू मैंने नहीं बनाने, ये बाजुओं के बगैर है। ये साथ साथ सिलाई करते जाएं गुलाई के साथ, जैसे जैसे गुलाई के साथ है वैसे वैसे रखता जाए तो ये बिल्कुल बड़े आराम से बहुत ही खूबसूरती से इसकी गुलाई हो जाएगी और बहुत ही ये प्यारा लगेगा। व्यूअर्स ये हर सूट पे चल जाता है, हर चीज़ जो भी हो, आप जिस भी कहीं भी किसी भी पार्टी में जा रही हैं, आपको इसके साथ अटैच कोई भी सूट सादा पड़ा हो वो आपने उठा कर करना हो पहन लें और ऊपर से ये गाउन पहन लें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको। ये देखें अब गुलाई हो गई इसके पूरे, जैसे आर्म होल बनता है कंधा बनता है वैसे ये कंधा बन गया। नीचे थोड़ी तो मैंने बहुत ऊपर कपड़ा ज्यादा रखा है, क्योंकि नीचे अच्छी तरह ये शाइनिंग दे, बस शाइनिंग के लिए मैंने गोल्डन कलर लगाया है ये नीचे।
अब हम इसकी साइड सिलाई करते हैं। साइड में जितनी फिटिंग आपको चाहिए उतनी आप कर लें, इसकी फिटिंग का अंदाज़ा आप खुद करें ये कितनी चाहिए। मुझे ये 16 इंच चाहिए थी फिटिंग, मैंने इसकी 16 इंच फिटिंग की है। विवल अगर तो आपने ये भारी गाउन बनाना हो तो ये बड़ी वाली लेस नीचे लगाएं, नहीं तो फिर ये आम पार्टी के लिए ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। ये आम लेस छोटी सी जो है नॉर्मल सी, बड़ी सामने लगा ली जाए और ये नॉर्मल, ये भी वैसे ही लगानी है हमने। नीचे उल्टी साइड रख कर उसके ऊपर जैसे हमने ये ओपन शर्ट बनाई है वैसे ही हम उसके नीचे वाली लेस ऊपर रखेंगे और रख कर एक पाँव का वक्फा छोड़ कर हम इस पर सिलाई करेंगे। कपड़े की सेटिंग अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि कपड़ा सिलाई में सेटिंग अच्छी हो तो फिर कपड़े का क्या खूबसूरत लगता है। अगर सिलाई में उसकी सेटिंग अच्छी ना हो, वो अच्छा ना लगे, तो कोई फायदा नहीं है पैसे लगाने का। पहनने वाले की शख्सियत पे पता चलता है कि कपड़ा कितना खूबसूरत है। इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा उसके कपड़े से लगता है कि वो कैसा पहनता है, कैसा उठता बैठता है, उसका अंदाज़ कैसा है। व्यूअर ये आप साथ साथ लगाते जाएं और आप उसको उसी तरह सीधा करके सीधी साइड पे ये देखें, ये ऊपर लगाते जाएं। हाथ से साथ साथ कपड़ा भी प्रेस करते जाएं। तो भी वो ये देखें, ये अब कंप्लीट हो चुका है। देखिए इंतहाई सिंपल और आसान तरीका, इससे देखें ये आप जिस चाहे जिस कलर के जो आपको कलर पसंद हो उस पे आप ये लगा सकती हैं। गाउन ऊपर पहन सकती हैं, पहन कर पार्टी में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, अपने आप को मेंटेन करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नई वीडियो नए अंदाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।